हाय फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि दुबई में डायरेक्ट जॉब आप कैसे पा सकते हैं बिना किसी एजेंट के, बिना किसी कंसल्टेंट के। सीधे सीधे आप दुबई में जॉब पा सकते हैं। अगर इंडिया में या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसे ही आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि दुबई में हम लोग कैसे डायरेक्ट जाकर जॉब पा सकते हैं। डायरेक्ट भी जॉब आसानी से मिल जाता है दुबई में। दुबई एक ऐसा जगह है जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। गल्फ कंट्रीज में सबसे अच्छा शहर वास्तव में अगर देखा जाए तो दुबई ही है, जहाँ पे बहुत सारे जॉब्स हैं, जॉब्स की भरमार है, जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। हर तरह के, हर कैटेगरी की जॉब है, हर तरह की अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों या फिर जो है किसी भी तरह के लोग हों, सबके लिए जॉब है। यहाँ से जॉब पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप एजेंट्स के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर करके एजेंट वगैरह जो है चीटिंग कर देते हैं, यहाँ से आपको कोई कोई जॉब बताएंगे, वहाँ जाने के बाद कुछ और जॉब दिला देंगे, और जो दूसरे कंट्री से जाता है वो तो थोड़ा सा परेशानी उसको होती है, वो कुछ और सपना लेके गया है, कुछ और ड्रीम देके गया है और वहाँ जाने पर कुछ और मिल जाता है उसको। तो आप डायरेक्टली भी जॉब जाके सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको विजिट वीज़ा पे जाना पड़ता है। आप दुबई विजिट वीज़ा पे जाइए और वीज़ा कम से कम 3 महीने का लेके जाइए, ताकि आपको एक पर्याप्त समय, एनफ टाइम मिल सके जॉब सर्च करने के लिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप 15 दिन के वीज़ा पे गए और 15 दिन में आपको जॉब मिल जाए। तो आप फ्लिपकार्ट लिस्ट जो है 3 महीने की विजिट वीज़ा पे जाइए, आपको पर्याप्त समय मिलेगा और उसमें आप जो है जॉब तलाश सकते हैं इजीली। वहाँ पे आप जाइए, अपना एक इंटरनेशनल रिज्यूम बनाइए, एक CV बनाइए अच्छा सा, जो कि एम्प्लॉयर देखे, उसमें अपना एक्सपीरियंस डालिए, अपना क्वालिफिकेशन डालिए, या जो भी आप करते हैं या जो भी जानते हैं, जो भी आपका अनुभव है, काम है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करिए अच्छे से CV में, ताकि एम्प्लॉयर उसको देखने के बाद आपके काम से, आपके चीज़ों से इम्प्रेस हो सके। इससे क्या होता है कि जब अच्छा रिज्यूम होता है तो फर्स्ट इम्प्रेशन उसका पड़ता है एम्प्लॉयर पे। एम्प्लॉयर सोचता है कि यार इसका रिज्यूम अच्छा है तो इसके अंदर कुछ खासियत होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है आपका इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू में आप दूसरे नंबर पे जो है आता है, और उसमें आप जो जैसा भी परफॉर्मेंस देते हैं, एम्प्लॉयर उसके उससे इम्प्रेस होता है और आपको जॉब दे देता है। उसके बाद जॉब पाने के बाद अब आपको जो है सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करना है, ताकि उस एम्प्लॉयर को जो भी आप जिसने भी आपको रिक्रूट किया, हायर किया है, आपको परमानेंट कर सके, आपके लिए वीज़ा अप्लाई कर सके या एम्प्लॉयमेंट पास अपने साइड से वहाँ की गवर्नमेंट को अपील कर सके, रिक्वेस्ट कर सके कि आपका एम्प्लॉयमेंट पास बना दिया जाए। और जैसे ही आपका एम्प्लॉयमेंट पास एक बार बन जाता है, फिर आपका ईजिली वहाँ से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही आसान और सबसे सेफ तरीका है जो है जॉब पाने का दुबई में। इजीली आप जॉब पा सकते हैं, इसमें किसी का भी बीच में कोई एजेंट नहीं होता है, बीच में कोई आपका पैसा खाता नहीं है, आप अपने रिस्क पे जाते हैं, अपने चॉइस के हिसाब से जॉब खोजते हैं, सर्च करते हैं। और आगे फिर से मैं आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान से, भारत से या बांग्लादेश से, जो जहाँ से भी देख रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन पे ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आगे की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू।